आप देख रहे हैं आरबीएल हिंदी न्यूज। आज कठनावा गांव में एक मामला आया हुआ है कि आपसी विवाद को लेकर, भाई भाई में आपसी विवाद हो रहा है जगह को लेकर। यहां का मामला ये है कि मतलब आपस में दोनों लोग भाई भाई रहते हैं और ना ही निकलने का रास्ता एक भाई दे रहा है जिसका नाम है अमरेश, और राजेश जो कि बड़े भाई का नाम है, उसका कहना ये है कि हम लोग आपस में रहना चाहते हैं, लेकिन रेनू उनकी पत्नी है वो गंदे अभद्र शब्द यूज करती हैं और गलत शब्द हर चीज़ के बयान करती हैं। क्या नाम है आपका? राजेश। क्या मामला है? मामला ये घर का है, और क्या मामला, यही रोड डेली लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहा है? अमरेश कर रहा है रोड डेली, कोई वहाँ कर। अमरेश कौन है? अमरेश मेरा भाई है, कभी पुलिस को यहाँ जाता कभी कहीं जाता, कहीं भाग। नहीं, नहीं, किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है? बस यही बंटवारा के चक्कर में। मैं बोलता हूँ कि तुम आधे में रहो, मैं आधे में रहूँ, तुमसे मतलब नहीं, हमसे ना, हम तुमसे मतलब। अब अपना तुम कमाओ खाओ, हम अपना कमाना खाना चाहता हूँ। ये दुनिया के विवाद लग के वहाँ सलवन तक का मेरे पहुँचा दिया फालतू में, ना कोई लेना ना देना। कभी उसकी बीवी कपड़े उतार के भागती है, कभी कुछ करके भागती है, उसका कोई मतलब नीचर ही नहीं है कि हम इज्जत गद्दार के घर में इज्जत से ही रहूं, लेकिन वो रहने नहीं चाह रही। नहीं तो क्या आपके हिस्से में क्या आपके भाई आपको जगह नहीं देते हैं? नहीं देते। वो कह रहे हैं कि हम पूरे लेना चाह रहे हैं, पूरा तो हम कैसे दे दें बताओ, हम कहाँ जाएंगे, अपने छोटे छोटे चार बच्चे हमारे भी हैं, चार उसके भी हैं, लेकिन उसको समझदारी नहीं है कि हमारे हम भी रहें वो भी रहे, बात ये है। माता पिता क्या कहना रहता है? माता पिता तो ये कह रहे हैं कि दोनों आदमी रहो, दोनों आधे आधे में रहो। अगर अभी आपको जो है आपके हिस्से पे नहीं रहने दिया जाता है? नहीं रहने दे रहे ना, वही तो दिक्कत है। वो कहते हैं केवल मैं ही रहूंगा इस जमीन। वो इनका कहना है कि मतलब हम ही रहें बस यहाँ।